व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि अगर विकास में कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो है नशा। और नशा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो मेडिकल नशा हो, चाहे शराब के रूप में हो या ड्रग्स के रूप में हो, वो हानिकारक है। ना सिर्फ व्यक्ति के स्वयं के लिए, शरीर के लिए हानिकारक है, बल्कि उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नशा छोड़ना चाहिए और एक व्यक्ति को कम से कम नशा छोड़वाने की शपथ हमें आज अवश्य लेनी चाहिए। सूरतगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन व पुलिस के द्वारा जो ये नशा मुक्ति का प्रयास किया जा रहा है, ये अद्भुत है, प्रशंसनीय है और हम सबका दायित्व है कि हम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आइए नशा मुक्त जिला, तत्पश्चात नशा मुक्त राज्य और तत्पश्चात नशा मुक्त राष्ट्र बनाने का हम सभी मिलजुल कर प्रयास करें। एक बार पूरे जो भी विद्यार्थी इस नशा मुक्ति रैली में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद गुरुदेव का। और पिछले का भी इसमें से आश्रम द्वारा भी नाटक प्रसारण किया जा रहा है, जैसे आरएस बेंच हो, आशय बेंच हो, उसमें नशे के खिलाफ एक नाट्य प्रतियोगिता की जाती है, तो कई बार आयोजित हुई, इसमें मैंने भी हिस्सा लिया है। तो गुरुदेव भी काफ़ी समय से इस विषय पर प्रयास कर रहे हैं और इसी में एक हमारा भी छोटा सा ही योगदान है। और सर यहाँ बता रहे हैं, उनके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन। अभी थोड़ी देर में गुरुदेव और श्री मोल सिंह जी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी, उससे पहले आदित्य जी से निवेदन है कि वो सर को मोमेंटो भेंट करेंगे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। No, 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 que te arreglen ya.